परेशान न करे, पति लोग परेशान कर देते क्योंकि बेचारी धर्म पत्नी है। अच्छा माताओं, तुम्हें भारतीय संस्कृति में धर्म पत्नी कहा गया है, अपने पति की धर्म पत्नी हो। इसका अर्थ है धर्म से अपने पति और अपने परिवार का कभी पतन मत होने देना, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म से पतित न हो। और पति शब्द का अर्थ होता है पाति इति पति, जो रक्षा करे, पालन करे, पोषण करे। किस चीज का? धर्म का। तुम्हारे जीवन में धर्म हो, तुम्हारे जीवन में सद्गुण हो, सज्जनता हो, ऐश्वर्यता हो, दैन्यता हो, भक्ति हो, इसका जो पालन करे वो सच्चा पति है। केवल रोटी कपड़ा मकान खिला दे उसको पति नहीं कहते। वो पति नहीं है केवल जो रोटी कपड़ा मकान खा रहा है। सच्चा पति वो है जो तुम्हारी सहायता धर्म में करता है, भगवान के बनने में करता है, परम पिता की बिटिया बनने में करता है। तुम परम पिता की लाडली हो, राधा की लाडली हो, ये बनने में तुम्हारा पति अगर मदद करे तो तुम्हारा पति है। और तुम भी अपने पति को धर्म से हटा करके और कुकर्म में मत लगा देना कहीं पर। जाओ चोरी करो, जाओ घूस लो, भारतवर्ष से बोले घूसखोरी मिटानी होगी, जिंदगी में नहीं मिटेगी, काय को मिटेगी? कौन मिटाएगा, कौन मिटाएगा? बर्बाद है गुलिस्ता करने को, हर साख पे अंजामे क्या होगा? इस भारतवर्ष से मैं आज फिर व्यासपीठ से कहता हूं, 100 वर्ष के बाद भी सुनते रहना, अगर भारतवर्ष की भूमि से भ्रष्टाचार घूसखोरी मिट सकती है, क्योंकि एक बात याद रखना, दूषित अन्न खाने से कभी तुम्हारे परिवार परिजन में पैसे तो आ सकते हैं, संस्कार और आनंद नहीं मिल सकता। दूषित अन्न, दूषित अन्न का अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा आदमी बना के सिर्फ खिला दे, वही दूषित कमाई से उपलब्ध किए गए अन्न को खाने पर तुम सोचते हो तुम्हारे बालकों के भीतर राम कृष्ण विवेकानंद कबीर सूर और तुलसी पैदा होंगे, नहीं होंगे रावण कंस और ओसामा बिन लादेन के वंशज ही आएंगे उसमें, इसको याद रख लेना। जहां अन्न दूषित है वहां मन दूषित है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन।